रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। पाले में फसलें हुई बर्बाद, दिया ज्ञापन। विगत दो दिनों से पड़ रही तेज ठंड और शीतलहर ने पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है। वहीं किसानों की फसलों में अब भी पाला पड़ने के कारण खराब हो रही है। जिले के बेगमगंज तहसील के ग्राम खिरिया नवलसा में किसानों की तुअर की फसल प्राकृतिक आपदा तुषार पाले में बर्बाद हो गई है। किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम अभिषेक चौरसिया को सौंपा ज्ञापन। वहीं पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक रामपाल सिंह ने किसानों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत की और जानी फसलों की स्थिति। विगत दो दिनों से चल रही तेज ठंड और शीतलहर से आम जनता परेशान है। वहीं फसलों में भी पाला पड़ गया है, जिससे किसानों की तुअर, मसूर और चने की फसलें पाले में बर्बाद हो गई हैं। ग्राम खिरिया नवलसा के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अभिषेक चौरसिया को ज्ञापन सौंपा और मांग की गई है कि पटवारी के द्वारा सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों ने कहा है, हम अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सकें। क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने बर्बाद हुई फसलों के बारे में किसानों से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किसानों से बातचीत की और उचित मुआवजे की राशि दिलाने का आश्वासन दिया। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। विदिशा में आज कपड़ा व्यापारियों तथा सूज विक्रेताओं ने सड़कों पर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। यहां संघ से जुड़े सारे लोग काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार की जीएसटी नीति का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन की अगली कड़ी में सारे व्यापारी नगर की दुकानों में रात्रि में 7 बजे से लेकर 7:20 तक ब्लैकआउट करेंगे। इसमें दुकानों की लाइट ही 20 मिनट के लिए बंद कर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विदिशा की सड़कों पर आज लोगों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन देखा। यहां कपड़ा एवं जूता व्यापारी सड़कों पर काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जता रहे थे और दुकान दुकान पर जाकर केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं, जिसके मुताबिक कपड़े पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है। व्यापारी इसी का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध की कड़ी में आज से 3 दिन तक लगातार रात्रि में 7 बजे से 7:20 तक दुकान अपनी दुकानों पर ब्लैकआउट करेंगे। इसके तहत 20 मिनट के लिए सभी दुकानों की लाइट बंद की जाएगी। विदिशा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है, सरकार ने 5% से 12% जीएसटी कर दी है, जो गलत है। हम सभी इसका विरोध कर रहे हैं। आजादी के बाद जीएसटी पर इतनी बढ़ोतरी न केवल व्यापार जगत, आम उपभोक्ता के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी, इसलिए सब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विदिशा बाजार महासंघ के अध्यक्ष का कहना है, पूरे प्रदेश में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर सरकार नहीं मानी तो जल्दी ही व्यापारी के द्वारा पूरा भारत बंद कराया जाएगा। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट।